झांसी के मोट में उपजिलाधिकारी ने संयुक्त टीम बनाकर नशीले पदार्थों के रोकथाम के लिए औचक छापेमारी कार्रवाई की। इस छापेमार कार्रवाई में संयुक्त टीम में उपजिलाधिकारी परमानंद सिंह, पुलिस क्षेत्र अधिकारी लक्ष्मीकांत गौतम एवं मोट कोतवाली पुलिस संयुक्त टीम में शामिल रहे। संयुक्त टीम ने ग्राम सेना के कबूतरा डेरा पर औचक छापेमारी कार्रवाई की। इस कार्यवाही में संयुक्त टीम ने हजारों लीटर अवैध लहन नष्ट किया। इसके साथ ही भारी मात्रा में अवैध शराब भी बरामद की। अवैध शराब बनाने वाले भाग खड़े हुए, फिलहाल पुलिस तलाश में जुटी है। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने अवैध शराब बनाने वाले उपकरण में भट्टी, ड्रम एवं अवैध शराब में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों को जब्त किया। इसके साथ ही उपजिलाधिकारी पुलिस क्षेत्राधिकारी ने कहा कि उनके क्षेत्र में किसी भी प्रकार का नशीला कारोबार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि इस दौरान उस हलके के इंचार्ज को भी पुलिस क्षेत्राधिकारी ने दूरभाष पर कड़ी फटकार लगाई। कहा कि अगर इस प्रकार का कारोबार हुआ तो उस हलका इंचार्ज पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान संयुक्त टीम की कार्रवाई से अवैध नशीले कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ। सर, यहाँ आज कार्रवाई की गई है एक बड़ी, सर आपको लेगा, क्या कार्रवाई की गई, कहाँ की कार्रवाई है? देखिए, आज औचक छापेमारी की जा रही थी समथर रोड, सेना रोड, कुम्हरार रोड, शाहपुर रोड और ये सेना गांव में। तो यहाँ पर जो है, जो अवैध रूप से कच्ची शराब बन रही थी उसके संबंध में कार्रवाई की गई है। तो लगभग 1000 लीटर से अधिक लाहन यहाँ पर प्राप्त हुए हैं जिसको नष्ट की गई है, और यहाँ पर भट्टी भी मिली है, उसके लिए कार्रवाई की जा रही है, उसको हम लोग जब्त कर रहे हैं। और इसी तरह से आगे भी हम लोग कार्रवाई करते रहेंगे, और जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी किसी गिरफ्तारी हो पाई है? नहीं, अभी मौके से चूंकि हम लोग के आने की सूचना शायद उन लोगों को मिल गई होगी तो भाग गए थे। तो फिलहाल यहाँ पर जो सामग्री है उनको नष्ट कर दिया गया है।